गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी का नाम है मेरे ही घर पर मैं ही डरी। चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है जी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। इससे हमारे चैनल की सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। जी दोस्तों चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम पूजा है और ये कहानी मेरी जिंदगी की एक सच्ची दास्तां है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मेरा अभी अभी शादी हुआ है। अरे शादी के बाद हर लड़की कितनी खुश रहती है अगर उसका पति प्यार करने वाला हो, तो ये तो आप जानते ही हैं। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी था। मैं अपने पति के साथ लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ही ज़्यादा। वो मुझे प्यार करते थे, हर खुशी देने की कोशिश करते। उनका काम के सिलसिले पे अक्सर बाहर जाना आना होता। ऐसे में जब भी वो जाते तो मुझे हर वो चीज़ जो चाहिए होती ला देते, ताकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। ऐसे ही समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, मेरे पति जब गए तो एक लड़का था, वो मुझसे बातें करने लगा। मेरे पड़ोस में रहता था तो मैं भी बातचीत कर ली, क्योंकि मैं बोर हो रही थी। उसे बातें करना अच्छा लगने लगा। ये बात मैंने अपने पति को भी बताया था, क्योंकि वैसी कुछ बात नहीं थी जो मुझे छुपानी पड़ी। तो बात ये थी कि वो हमेशा मुझसे बातें करता और मेरे बारे में हर जानकारी जानता। एक बार की बात है, मैंने उसे बताया था कि मेरे पति नहीं है, तो वो मुझे कहा कि आप अकेली रहती हैं, आप मिस नहीं करती उन्हें, या फिर आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा मिस तो करती हूँ लेकिन डर नहीं लगता। उसने कहा अच्छा ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ। बात की बात है, जब मैं एक दिन बात कर रही थी तो उसने मुझे कहा कि मैं आपका घर आ सकता हूँ। मैंने कहा आइए। फिर वो अक्सर मेरे घर आते, कभी कभी पति के सामने भी आते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे पति भी कूल थे और वो बस मेरा दोस्त जैसा था। समय के साथ साथ ऐसे ही चलते रहा। एक बार की बात है, मेरे पति घर से बाहर जाने वाले थे। उसने मुझे पूछा था तो मैंने बता दिया था कि हाँ मेरे पति जाने वाले हैं, इसे छुपाने वाली कोई बात ही नहीं थी। तो इस बार जब मेरे पति गए ना, तो एक दिन उन्होंने वो दरवाज़ा नॉक किया। मैंने कहा कुछ काम था, तो उसने कहा क्यों मैं आ नहीं सकता? मैंने कहा हाँ आ जाओ, क्योंकि नॉर्मली पति के रहते भी वो आता था, तो वो आया। उसने ऐसे ही कहा मैं बोर हो रहा था तो सोचा आपके घर आ जाऊँ। मैंने गलती बस इतनी कर दी थी कि गेट नहीं नॉक की। उसने कहा चाय मिलेगा क्या? मैंने कहा अभी लाती हूँ। मैं चाय बनाने गई और जब बाहर आई तो मैं डर गई, क्योंकि उसके साथ और चार लड़के थे और सबका होश बदल चुका था। मैंने जैसे ही अपना फ़ोन लेने गया, उनके पास फ़ोन था, उन लोगों के पास चाकू था और कहा जो भी पैसे हैं वो सारे पैसे दो। उन्होंने मेरे से सारे पैसे ले लिए और साथ ही उसके बाद मेरे साथ वो सब कुछ करके उसका वीडियो बनाकर चले गए और कहा कि किसी को कुछ बोले ना तो ये वीडियो देख लूँगी और देखना क्या होगा इस वीडियो के साथ। जब मेरे पति आए मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने डर से उन्हें कुछ नहीं बताया। वो कई बार पूछे और अंततः मैंने एक बार उन्हें रोते रोते सब बता दिया। मेरे पति ने कहा पुलिस स्टेशन चलो, मैंने कहा नहीं जाऊंगी, मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन मेरे पति ने मुझे समझाया कि देखो डरो मत, पुलिस स्टेशन चलो। और सबसे सही बात तो ये थी कि मेरे पति ने मुझे फिर भी साथ दिया। इतना सब कुछ मेरे साथ होने के बाद मैंने उन्हें छुपाया फिर भी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सब मेरी गलती की वजह से नहीं होता था। दोस्तों मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको क्या लगता है प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इंतज़ार करूँगी। खैर मेरी जैसे पति सबको मिले, कहानी तो मेरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या उसे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए या फिर उसे चुप रह जाना चाहिए? लेकिन मेरे हिसाब से तो शायद जाना चाहिए, नहीं तो इन लड़कों को और भी ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। अपने जवाब कमेंट बॉक्स पर जरूर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।